बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान में पहली दफ़ा गोभी के कोफ्ते की रेसिपी लेके आया हूं। जैसे कुछ दिन पहले मैंने दाल के कोफ्ते लाए थे, लोगों ने बहुत पसंद किया और लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा, तो आज आपके लिए स्पेशल मैं गोभी के कोफ्ते लेके आया हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ईजी। इसके कोफ्ते तो टेस्टी होंगे ही, इसकी जो ग्रेवी है वो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली और अहम बात, खूबसूरत सा आपने गोभी का फूल लेना है, उसको आपने अच्छे से धो लेना है, उसके बाद आपने उसको ग्रेट कर लेना है, कद्दूकश कर लेना है। तो बहुत आसानी से ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक हो जाएगा। तो हमें तकरीबन एक कप के करीब ये ग्रेटेड गोभी चाहिए, ठीक हो गया। अब इस गोभी के अंदर कुछ पानी होगा तो आपने इसको दबा देना है, इसका पानी निकाल देना है। तो ये देखें बहुत ही आसानी से इसका पानी निकल जाएगा। चलें जी, पानी को साइड पर कर देते हैं। अब हम लेंगे एक खूबसूरत सा बॉल। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्याली ये तकरीबन है हमारे पास गोभी, ठीक है। प्लेटों को अच्छे से साफ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, इससे आपके रिस्क में बरकत आती है। चलें जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे, हमारे पास हैं कुछ बॉइल्ड आलू। तो ये देखें एक दरमियाने साइज़ का या छोटा आलू आपने इसके अंदर इस तरह से ग्रेट कर देना है। ये टेस्ट का काम भी करेगा और साथ ही साथ बाइंडिंग का काम भी करेगा, ठीक हो गया। इसको साइड पर करते हैं। अब इसके अंदर जाएगा प्याज, ठीक है। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ आपने इसमें प्याज ऐड कर देना है। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, कोफ्तों के अंदर कंप्लीट मसाले जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा हरी मिर्चें तकरीबन 2 से 3 थी। यह है हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, जस्ट 1 टीस्पून, क्योंकि सामान काफ़ी कम है तो इतना काफ़ी होगा। हरा धनिया ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबलस्पून, अच्छे से धो के फिर काटा करें इसको। और अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च या लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। ये है ज़ीरा, 1/2 टीस्पून काफ़ी होगा इसके अंदर। और ये है हमारे पास खुश धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून। चलें जी, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर बेसन ऐड कर देना है तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब। बेसन टेस्ट का काम भी करेगा और बाइंडिंग का काम भी करेगा, ठीक हो गया। अब आपने इसको मिक्स कर देना है और ये इस तरह से ड्राई लगेगा, लेकिन जब आप इसको दबाएंगे तो उसके खूबसूरत से बॉल बन जाएंगे, ठीक है। इनकेस ना बने तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, ठीक हो गया। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऑयल गर्म करके इन बॉल्स को, इन कोफ्तों को आपने इनके अंदर फ्राई कर लेना। अच्छा, क्योंकि जो गोभी है बहुत जल्दी पक जाती है, बेसन भी पक जाता है, आलू ऑलरेडी डन है, तो आपने बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना, ठीक है। मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको फ्राई करते जाना है और आपने इसको तब तक पकाना है जब तक इसका कलर प्योर ब्राउन नहीं हो जाता। अच्छा, मैं आपको बताऊं, कोफ्तों में और बाकी रेसिपीज़ में एक फ़र्क होता है। कोफ्ते की जो ग्रेवी होती है ना, जो कड़ी होती है, जो मसाला होता है, वो बहुत ही स्मूथ होता है, लेकिन बाकी जो हमारी डिशेस हैं उसमें जैसा भी वो चल जाता है। तो आपने इसकी जो ग्रेवी मैं बनाऊँगा ना, वो बहुत ध्यान से आपने देखना है, ठीक है। देखें ये गोल्डन हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। एक ब्राउन ही करना आपने, ठीक है, गोल्डन ही निकालना, वरना ये बाद में खुल सकते हैं, ठीक हो गया। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अपनी एक प्यारी सी खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे, 1/2 कप कुकिंग ऑयल का लेंगे। जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम प्याज लेंगे। एक बड़े साइज का मैंने प्याज लिया है, किसी भी तरह से काट लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम इसको पकाएंगे। ये लें जी, ब्राउन नहीं करना, जस्ट जब ये हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो जाए तभी इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। आपको पता होगा लहसुन के पेस्ट को 2 से 3 मिनट देने के बाद टमाटर ऐड कर देंगे। चलें जी, जैसे मर्जी कटिंग कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम इसको ग्राइंड करने वाले हैं, ठीक है। चलें जी, अब कुछ मसाले ऐड कर देते हैं इसमें, ड्राई मसाले जाएंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून काफ़ी होगा, ठीक है। और नमक भी इसमें 1 टीस्पून ही हम ऐड करेंगे, ठीक हो गया। अगली चीज़ इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून हल्दी, 3 बेसिक्स मसाले, बाकी भी यहीं पर ऐड कर देंगे। ज़ीरा 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे और ये है मिक्स गरम मसाला, ये भी 1/2 टीस्पून जाएगा। 1 टेबलस्पून खुश धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। अब आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है हाई फ्लेम के ऊपर, ताकि टमाटर ज़रा नरम हो जाए, टमाटर रोस्ट हो जाए। उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देना है। जब मसाले का टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा, तब आपने निकाल के, जिसमें आप ब्लेंडर में जूस बनाते हैं, मिल्क शेक बनाते हैं, उस मशीन में आपने इसको डाल देना है, ठीक है। फिर आपने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना। अच्छा, ये चीज़ें ग्राइंड करके पकाने का भी एक तरीका होता है, लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं होती, वो मुश्किल होती है, ये आसान है, ठीक है। अब उसी खूबसूरत सी कढ़ाई में हम इसको निकाल लेंगे और उसके बाद इसमें हम पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे, ठीक है, उससे ये थोड़ा सा नरम भी हो जाएगा और मसाला भी हमारा ज़ाया नहीं होगा। चलें जी, अब यहाँ पे हम फ्लेम को हाई कर देंगे
और इस मसाले को अच्छे से हम यहाँ पे भुनेंगे, पकाएंगे। तो ये देखें आप, माशाल्लाह से बहुत ही स्मूथ सी आपको ग्रेवी यहाँ पे मिलेगी। ठीक हो गया। अब जैसे ही इसको थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो जाएगा, तब इसके अंदर एक छोटी सी प्याली हम दही की ऐड कर देंगे, जिसको हमने अच्छे से फेंट लिया था। ना फेंटे तो क्या होता है, दही की फुटियाँ सी बन जाती है, जो कवर करनी मुश्किल हो जाती हैं। चलें जी, अब हम इसको पकाएंगे। जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा, 2 से 3 छोटी इलायची ज़रूर ऐड करिएगा इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है यहाँ पे हरी मिर्चें, ठीक है। हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे, थोड़ी सी मोटी कटी हुई, बिल्कुल फ्रेश। और ये कोफ्ते, अच्छा इन कोफ्तों को इस करी में ऐड करके, इस ग्रेवी में ऐड करके आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, ठीक है। ये ज़रा नरम होते हैं, तो ये इसमें मिक्स हो सकते हैं, बिल्कुल एंड पे आपने डालने हैं, एक दफ़ा मिक्स करना है ये देखें आप, और फ्लेम ऑफ कर देना है। अब हम इसको सर्व करेंगे, मैं आपको बताता हूँ आपने सर्व कैसे करना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दाल के कोफ्ते लेने हैं वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, चिकन के कोफ्ते चाहिए आपको, बीफ के कोफ्ते चाहिए, हर तरह के कोफ्तों की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा चिकन बिरयानी रेसिपी के लिए, चिकन कोरमा रेसिपी के लिए, चिकन पुलाव रेसिपीज़ के लिए, यमी एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ के लिए और हर तरह की दाल की रेसिपी के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।